जनरल विक्रम कुमार साहब, एनसीसी के और हमारे डायरेक्टरेट के सीनियर ऑफिसर्स, हमारी सम्मानित एनसीसी अधिकारियों के परिवार के सदस्यगण, इस मेगा साइक्लोथॉन के लीडर कर्नल अंजन सिंह गुप्ता जी, डिप्टी लीडर राहुल जी और हमारी जाबाज, मैं कहूंगा शेरनी, ये हमारी 14 एनसीसी कैडेट्स, एनसीसी के हमारे और कैडेट्स, आज कितना प्राउड फील हो रहा है जब हमारी ये बच्चियां गुवाहाटी से 22 दिसंबर को वहां के माननीय राज्यपाल महोदय ने जब इन्हें फ्लैग ऑफ किया, वहां से यात्रा प्रारंभ करके आसाम की पूरी दूरी किया, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में भी लगभग आधा उत्तर प्रदेश पूरा करते हुए साइकिल पर, अब ये अपनी आगे वाली जर्नी जो कि कल यहाँ पे माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा फ्लैग ऑफ किया जाएगा, तो कल ये यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित राज्य दिल्ली, 5 राज्यों का 2100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी इन बच्चियों के द्वारा पूरा किया जाना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात, मुझे जनरल साहब ने बताया कि ये बच्चियां पहले शायद 20 किलोमीटर भी साइकिलिंग एक दिन में नहीं किया था और अब इतनी सारी दूरी ये साइकिल के ऊपर की है, तो वो अपने साथ इतना सारा कॉन्फिडेंस, आने वाले समय में ये लीडर्स बनेंगे और यही हमारी एनसीसी की ट्रेनिंग होती है। एनसीसी हमको नेतृत्व क्षमता देती है, एनसीसी हमें अनुशासन देता है, एनसीसी हमें आपस में मिलकर के एकता की भावना देता है, कैसे हम सब मिलकर के एक बड़े से काम को पूरा कर सकते हैं, एनसीसी हमें आने वाले समय के लिए तैयार करता है। और मैं इसे केवल ऐसे कहानी के रूप में नहीं बल्कि अपने अनुभव से कह रहा हूं। मैं एनसीसी में स्कूल में कक्षाएं 8 से लेकर के 11 तक और उसके बाद आईआईटी कानपुर में पहले 3 साल, यानी 7 साल मैंने एनसीसी में अपना समय लगाया और उसमें बहुत सारे, जैसे बच्चे आप देख रहे हो, आपको साइकिल पर देख के मुझे अनुभव हो रहा है। 1979 में जब मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था आईआईटी कानपुर में, तो हम लोग आईआईटी कानपुर से खजुराहो की दूरी साइकिल से लगभग 250 किलोमीटर से ज्यादा था, 260-270 किलोमीटर के आसपास ये दूरी हमने साइकिल पर पूरी की। और यही नहीं, वहां जब हम पहुंचे, खजुराहो पहुंचे, तो इतना हम चल चुके थे कि खजुराहो के आसपास सब इलाके हमने साइकिल से ना पा, और लौटने के बाद तो काफी वहां से जाके कानपुर जो हमारे यहाँ से करीब 17-18 किलोमीटर हुआ करता था, साइकिल से जाया करते थे, यानी करीब 7-750 किलोमीटर की दूरी एक सप्ताह में हमने पूरा की। और हमारे पास उस जमाने में बहुत साधारण एटलस की साइकिल हुआ करती थी, उसमें न गियर न कुछ, बड़ी साधारण साइकिल हुआ करती थी और उस पर वो आनंद आता था। साइकिल नहीं बल्कि हमने तो कानपुर से लखनऊ दौड़ करके 14 अगस्त 1978 को, 14 अगस्त को आईआईटी से दौड़ करके हम लोग आकर के अब ट्रॉल में ठहरे और 15 अगस्त को आकर के डी सिंह बाबू स्टेडियम में पूरा किए, और उसमें 3 बच्चे थे जिन्होंने पूरा किया, मैं भी उसमें था, पूरा दौड़ करके आईआईटी कानपुर से केडी सिंह बाबू एनसीसी कैडेट के रूप में हमने कितने बार कुमारी हिल्स में, गढ़वाल हिल्स में लंबे लंबे एक एक हफ्ते के पूरे ट्रैकिंग एक्सपेडिशन किए, अपने सर के ऊपर सेब लेकर के, सामान लेकर के, बहुत सारी चीजें पीछे रक्षक में बांध करके, और हम लोग चलते थे, क्योंकि एनसीसी में ये हमें जो ताकत दी जाती है कि आप कुछ भी कर सकते हो। एनसीसी कैंप्स में, एनसीसी के जो स्पेशल कैंप होते थे एडवांस लीडरशिप कोर्स कैंप में, बहुत सारी चीजें जो आपके जीवन में आवश्यक होती सारी चीज सीखने को मिलता है।
और आज तो महिला सशक्तिकरण का समय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में पहले बार आज हमारी आर्म फोर्सेस में, पुलिस फोर्सेस में, हमारी वैज्ञानिकों में, यहां तक कि जो हमारे क्षेत्र में जो तमाम सारे जो एक्सपीडिशन होते हैं उनमें भी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है हमारी जो अंडर सी जो एक्सपीडिशन होते हैं, सभी जगह महिलाओं ने अपना स्थान बनाया। अभी बच्चों तुम लोग कभी जाओगे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का परेड, दुनिया भर में भारतीय जहां भी होते हैं वहां वो देखते हैं इसको, बड़े गर्व के साथ देखते हैं। पहले जब ये हमारा 26 जनवरी का परेड होता था तो उसमें कोई महिला कंटिजेंट लीड नहीं करती थी, और अब हमारे हरेक कंटिजेंट को आप देखेंगे, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में महिलाओं की शक्ति को इतना उभारा है कि आज हरेक कंटिजेंट में आप देखोगे कि आगे चलने वाली महिलाएं होती है। और यही चीज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को दिया है, हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति के माध्यम से, क्योंकि आप तो शक्ति स्वरूपा हो, हम सभी शक्ति की आराधना करते हैं। जो नवरात्र होता है नवरात्र में शक्ति की पूजा की जाती है, तो शक्ति की आप शक्ति स्वरूपा हो, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको शब्द दिया मिशन शक्ति। और मिशन शक्ति के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सभी महिलाओं को, चाहे वो छोटी बच्ची, यहां तक की जो बच्ची पैदा होती है वहां से लेकर के बच्ची के हर स्तर पे, उसके पढ़ने लिखने, स्कूल खेल सभी जगह उसको जिस प्रकार से सहायता दी जाती है कि वो अपने लड़के और अपने पांव पे खड़ी हो, बल्कि वो निर्भय होकर के जो उसकी क्षमता उसके मुताबिक वो सब कुछ कार्य करते हैं, आज उत्तर प्रदेश में सब कुछ संभव हो रहा है। आपको मालूम है जो चंद्रयान अभी चंद्रयान में हमारा एक्सपीडिशन गया था, हमारे लखनऊ शहर की बिटिया वो उसकी वैज्ञानिक टीम से उसको लीड कर रही। तो आज हमारी महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। और ये तो हमारे जो बच्चे, जो 14 बच्चे इतनी लंबी यात्रा करके आए, ये केवल न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने आसपास, अपने स्कूल, जब ये लौट के जाएंगे तो वो हीरो के रूप में वहां पे समझे जाएंगे। ये हीरोज हैं जो कि कहीं भी बिल्कुल किसी दिक्कत नहीं, कोई इतनी ठंड पड़ रही है, अभी आपको कर्नल साहब ने बताया 6 डिग्री सेंटीग्रेड, दिल्ली जाओगे तो 2 डिग्री हो जाएगा, लेकिन न ठंड रोक सकती है, न उनको जो है कोहरा रोक सकता है, न कोई थकान रोक सकती है, कुछ भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि मन में जो जज्बा है कि हमें तो हासिल करना है, और वो हासिल करने का जज्बा जो एक आपके अंदर वो जोश है, उस जोश के आगे कुछ भी नहीं टिक सकता है। मैं इसके लिए इन बच्चियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे जनरल साहब ने बताया कि एक तरफ से हमारी ये बच्चियां गुवाहाटी से दिल्ली चल रही, दूसरी तरफ गुजरात की ये उत्तर प्रदेश का कंटिजेंट, 14 का कंटिजेंट गुवाहाटी से दिल्ली जा रहा है। तो गुजरात के एनसीसी का जो गुजरात एनसीसी डायरेक्टरेट की तरफ से 11 बच्चियां कन्याकुमारी से, अभी कल ही हमारे स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन था, आपको मालूम होगा स्वामी विवेकानंद जिन्होंने हमारे देश में राष्ट्र निर्माण के, राष्ट्र एक राष्ट्रभक्ति के प्रणेता थे, किस प्रकार से देश को उन्होंने पूरे दुनिया के मैप पे आगे बढ़ाया, कल उनका जन्मदिन था। कल हमारा एक युवा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाया गया। जब वो आए थे तो उन्होंने, आपने दो बच्चियां कन्याकुमारी में विवेकानंद ड्रॉप गई होगी, वहां से कन्याकुमारी से लेकर के दिल्ली तक की यात्रा लगभग 3100 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके जब 21 बच्चे तुम लोग जब गाजियाबाद पहुंचोगे तो वो बच्चियां भी गाजियाबाद पहुंचेगी, और आप दोनों मिलकर के साथ साथ हमारा जो गणतंत्र दिवस समारोह है उसमें भाग लेने के लिए, और वहां पे पूरे देश भर के एनसीसी कैडेट्स होंगे, उनके साथ अपने अनुभव बांटने जाओगे तो सोचो कितने लोगों को तुम प्रेरित करोगे, कितने के लिए प्रेरणा के स्रोत बनोगे कि हम भी कर सकते हैं, अगर ये बच्चे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एनसीसी के 75 साल पूरे हुए, और उस 75 साल पूरा होने पे हमारी बेटियों को इस प्रकार की ताकत देने के लिए मैं डायरेक्टर जनरल साहब जो एनसीसी के, उनको मैं बहुत बहुत
धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ और ये शुभकामनाएं भी देता हूँ कि जो इस प्रकार के जो काम कर रहे हैं बच्चियों में आगे बढ़ाने के लिए, ये देश की आज की जरूरत है। आज देश हमारा विकसित देश बनने के लिए उस रास्ते पर चल चुका माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, और विकसित देश तब होगा जब देश के हर नागरिक में अपनी क्षमता के मुताबिक कार्य करने के लिए मौका भी मिले और वो निर्भय होकर बगैर किसी प्रकार के रोक टोक के उसको हासिल करें, और ये सब इनकी प्रेरणा से और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो मैं हमारे उत्तर प्रदेश के डायरेक्टरेट के एडिशनल डायरेक्टर जनरल जनरल विक्रम कुमार साहब को, उनकी पूरी टीम को, जो हमारे बच्चियों की टीम को हेड कर रहे हैं अंजन कुमार साहब को, सारे लोगों को और खासतौर से अपनी बेटियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए शुभकामनाओं के साथ कि आप जो जैसे सुरसुरे गाते थे ऐसे ही तेज बन करके देश के लिए आगे बढ़ते रहो, देश के लिए काम करते रहो। अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।